हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है शुभिन। और चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। मेरे को बेस्ट जो वर्क फ्रॉम होम टेबल्स लगती हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मेनली मॉडर्न डिज़ाइन की फ्यूचरिस्टिक जो वर्क फ्रॉम होम टेबल्स लगती हैं जो आप कहीं सेटअप कर सकते हैं। ये पोर्टेबल टेबल्स नहीं हैं, एक बार आपने लगा दी तो फिर आप उधर ही बैठकर इस पर रेगुलरली काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली शिफ्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये वो वाली नहीं है जिनमें व्हील्स होते हैं और इधर उधर शिफ्ट हो सकती हैं। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अमेजोन ब्रांड की लिमो फ्रेम की एक इंजीनियर्ड वुड की टेबल आती है। इंजीनियर्ड वुड होती है जिसके ऊपर आपकी दीमक वगैरह नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत बढ़िया टेबल लगती है दिखने में। अगर देखोगे ये मेरी टॉप पिक है और बहुत प्रीमियम डिज़ाइन है इसका। आप फोटो स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। टॉक्सिन वगैरह से किसी से भी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर और फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स है जो अमेजोन क्लेम करता है। अमेजोन का ही ब्रांड है जो ये सेल कर रहा है। क्लाउड टेल इसको सेल कर रहा है एज अ सेलर, तो काफ़ी बढ़िया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लेंथ देखेंगे इसकी तो अप्रॉक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर की विथ है और हाइट 75 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी है। रस्ट रेजिस्टेंट हार्डवेयर है। एक्सेसरीज लॉन्गेविटी बहुत अच्छी देती है इसके अंदर। 150 kg तक का कैपेसिटी है इसका और 6-6 kg आप शेल्फ स्पेस के सामान रख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया टेबल है ऑफिस के लिए या फिर घर के यूज़ के लिए। बस आप देख सकते हैं MDF में बनी हुई है तो हल्का सा पानी से आपको दूर रखना पड़ेगा। अगर पानी ऊपर गिर भी जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जॉइंट्स के थ्रू अंदर पानी जाने लगा तो ये ख़राब होने की टेंशन इसमें रहती है। लेकिन बहुत बढ़िया टेबल है, आप बिल्कुल इसको कंसिडर करिए। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, ये मेरी पहली पिक थी जो मेरे को बहुत प्रीमियम लगती है। अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 5000 रुपीज़ के अंडर अंडर आपको ये मिल जाएगी और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी है और क्वालिटी है इसके बजाय। आप क्वालिटी इसकी बहुत ही प्रीमियम है, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि किस तरह बनी हुई है। प्लस मेरे को इसका जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक और ब्राउन का वो भी बहुत प्रीमियम लगता है। इसके साथ आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारी जो टेबल है वो रेड वुड मेटल की है और शीशम की लकड़ी की है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 4200-4300 रुपीज़ के आसपास मिलती है। वॉलनट फिनिश में ये भी बहुत प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टेबल है। बहुत सिंपल एलिगेंट है जिन लोगों को सिंप्लिसिटी पसंद है और मिनिमलिज्म की आदत है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत अच्छी है एक ओपन स्पेस में लगाने के लिए एक चेयर के साथ। ये वाली चेयर भी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही मैंने सारे वीडियो जितने भी मैंने ये टेबल्स बताई हैं इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये चेयर भी पर्टिकुलरली बहुत कूल लगती है मेरे को, तो आप इसके साथ ही क्लब कर सकते हैं और मैंने चेयर का लिंक भी इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये अगर टेबल की बात करें तो ये भी 10 डे रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलती है आपको अगर कोई इश्यूज आते हैं इसके अंदर। हाइट देखें इसकी तो 29 inches की है, विथ 16 inches की है और लेंथ इसकी 34 inches की है। ओवरऑल बहुत ईजी टू असेंबल है, बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है जैसे मैंने पहले बताया। कुछ इतना इसमें समझने के लिए नहीं है लेकिन ये डिज़ाइन मेरे को बहुत प्रीमियम लगता है, आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना। इसके बाद थर्ड चलते हैं तो अनिका की इंजीनियर्ड वुड की टेबल है। ये आपकी 4500 रुपीज़ के आसपास आ रही है, लेकिन ये उस पर्सपेक्टिव से है अगर आपके पास हल्की सी जगह कम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं खरीदना, क्योंकि इसकी लेंथ विथ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन जो मैंने आपको दिखाई अमेजोन की उससे फ़र्क है। तो 90 सेंटीमीटर्स की इसकी लेंथ है, ब्रेथ अगर देखें तो 40 सेंटीमीटर्स की है और विथ अगर देखें तो आपकी 30 सेंटीमीटर्स के आसपास की है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी टेबल है कंप्यूटर और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए स्टडी टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ड्रॉअर और सेक्शन भी दिया जाता है जो आप देख सकते हैं, प्लस एक आपको राइट साइड में होल दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना कुछ तार वायर्स वगैरह निकाल सकते हैं साइड से। तो काफ़ी सही है और MDF में ही बनी हुई है ये भी। MDF अच्छा रहता है तभी आपको इतनी क्वालिटी में और इतनी कम प्राइस पे ये मिल पा रही है। वॉलनट फिनिश की ये टेबल है अनिका की और इसका भी अगर देखें तो सेलर काफ़ी सही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। फोर्थ पे चलें तो DFC फ्लिन की कंपनी की ये टेबल है और ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। ये हमारे चीपर सेगमेंट्स में आती है, अप्रॉक्सीमेटली 2900 रुपीज़ के आसपास की ये टेबल है और इसको हल्का सा परचेज करने में टाइम लगता है क्योंकि सस्ती है और आउट ऑफ स्टॉक रहती है यूजुअली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया टेबल है जो आप देख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को ये टेबल। इसके साथ अगर देखें पार्टिकल बोर्ड की बनी हुई है, 1 साल की आपको वारंटी मिलती है। डू इट योरसेल्फ, आराम से असेंबली कर सकते हैं। इंचेस अगर देखें तो 42 cm by 91.5 cm और 75 cm के इसके डायमेंशंस हैं। आप अपने लोकेशन में या एरिया में चाहें तो इसको आराम से सेट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टेबल ये भी है। फाइनली चलते हैं तो DFC की ही एक और टेबल आती है, अप्रॉक्सीमेटली 3800-3900 रुपीज़ के आसपास। ये उसका हल्का सा बड़ा वर्जन है
और इसमें आपका लेआउट हल्का सा चेंज हो जाता है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी टेबल लगी मेरे को कंसिडर करने के लिए अगर आप घर पे अपना स्टेशनरी कोई जगह पे लगाना चाहते हैं तो। आप ये बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, सबसे पहले आप जिस भी एरिया में लगाना चाहते हैं आप उसको देख लीजिए, नाप लीजिए कि आप वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। हाइट इसकी अप्रॉक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर्स की है, विथ देखें 90 सेंटीमीटर्स की है, और डेप्थ अगर देखें तो 42.5 सेंटीमीटर्स की इसकी डेप्थ है। तो काफ़ी बढ़िया, ये भी जीटा वुड की टेबल है आपकी। इसके ऊपर भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, और ये भी इंजीनियर्ड वुड, पार्टिकल बोर्ड और MDF मिलाकर हुआ हुआ है। तो इस हिसाब से आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि पानी से दूर रखना है। ट्राई करें पानी ना गिरे, अगर चाय कप कॉफ़ी कुछ रख देते हैं कुछ इशू नहीं है, लेकिन साइड की हिंजेस से इसके अंदर कुछ भी ऐसा जाए ना। तो ये मेरी थर्ड टेबल थी जो मेरे को बहुत ही पसंद है। सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अब वहाँ से चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये टॉप टेबल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पर, क्योंकि अगर आप टीक वुड या किसी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ टीक वुड या किसी चीज़ में जाने की। उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप घर में रख रहे हैं अंदर रूम में रखेंगे वहाँ पर पानी के इतने कोई चांसेस रहेंगे नहीं। प्लस इन सभी टेबल्स में अगर नीचे देखें तो आपको हल्का सा स्टैंड दे रखा है, मतलब प्लास्टिक नॉब्स लगी हुई हैं जो इसको हाइट देती हैं, बाई चांस नीचे पानी वानी भी गिर जाता है तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं रहेगा। तो वो चीज़ आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ ही फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी कंप्यूटर की वर्किंग रहती है तो स्कार्टर्स का एक माउस पैड और डेस्क पैड आता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम है और इसका येलो कलर तो सुपर्ब लगता है, एकदम हाई क्वालिटी का। सिर्फ 999 रुपीज़ का है ये, और एक साइड आपका येलो है एक साइड आपका नेवी ब्लू है, जो आपके पूरे वर्क स्पेस को एकदम प्रीमियम फिनिश दे देता है। और मेरा एक थॉट प्रोसेस रहता है कि अगर आप कोई चीज़ को जा रहे हो कहीं बैठ रहे हो तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपने खुद बनाई हो और वो आपको बुलाए वापस। तो अगर आप प्यार करोगे किसी जगह से और वो आपको बुलाएगी वापस, इन द सेंस कि वो इतनी अट्रैक्टिव होगी कि आपका मन करेगा जाने का, तो आप बिल्कुल प्रेफर करोगे वहाँ जाना। तो ये स्कार्टर्स का एक्सटेंडेड माउस पैड बहुत ही प्रीमियम है अपनी टेबल के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पे अगर लगाएंगे येलो वाली फिनिश तो कॉन्ट्रास्टिंग में बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो 999 से लेकर 1100 रुपीज़ के आसपास आता है, आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं खरीदना। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है जो मेरे को लगता है, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ ये बिल्कुल खरीदें। तो यही चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था जो मेरे को काफ़ी प्रीमियम लग रहा था और जो इंपॉर्टेंट हो गई है वर्क फ्रॉम होम टेबल्स, क्योंकि आजकल सब लोग ही घर से काम कर रही है। इसी के साथ ही बिल्कुल कंसिडर करें एक बहुत अच्छी चेयर का भी, क्योंकि चेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेरे को रिसेंटली क्रैम्प हुआ था गर्दन में, आपको पता है, तो डॉक्टर ने मेरे को यही कहा था कि ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करने की वजह से हो गया है। अगर वो वाली मेरी आपने वीडियो नहीं देखी है तो टॉप लेफ्ट साइड में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो लेके आते रहता हूँ जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी अपनी नॉर्मल लाइफ में एक कन्वीनियंस ऐड करने में। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।